तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैन इंडियन सुपरस्टार यानी कि रेबल स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम फिल्म की नई रिलीज डेट के बारे में और बताएंगे आपको कि इस फिल्म को अब कब रिलीज किया जाना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पैन इंडियन सुपरस्टार रेबल स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम जो कि एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राधा कृष्ण कुमार और इस फिल्म में हमें प्रभास सर के साथ देखने को मिलेंगी पूजा हेगड़े। बता दोस्तों कि राधे श्याम फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो रखी गई थी 30 जुलाई लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि जहां इस फिल्म की अभी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है उसके बाद इस फिल्म का जो है पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम होना है। तो दोस्तों ऐसे में अब यह फिल्म आपको 30 जुलाई को देखने को नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों यह कंफर्म है कि यह फिल्म 30 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की नई रिलीज डेट के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को 2 से 2.5 महीने के लिए पोस्टपोन करने वाले हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अंदर से ऐसी कुछ खबरें निकल कर आई हैं कि राधे श्याम फिल्म के जो मेकर्स हैं वो इस फिल्म को अब दशहरे के मौके पर रिलीज करने वाले हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म अब आपको दशहरे के मौके पर देखने को मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि यह अभी पूरी तरह से तो कंफर्म नहीं है कि यह फिल्म आपको दशहरे पर देखने को मिलेगी या नहीं लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कुछ अंदर से ऐसी खबरें निकल कर आई हैं कि यह फिल्म आपको दशहरे पर ही देखने को मिलेगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रिपल आर फिल्म की जो रिलीज डेट है वो भी दशहरे की रखी गई थी लेकिन अब आपको बता दें कि यह फिल्म आपको संक्रांति 2021 पर देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि आप राधे श्याम फिल्म को थिएटर्स में देखने जाओगे या नहीं हमें बिना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।